प्रिय साथियों, कोल माइंस रेगुलेशन 131 वर्किंग एट हाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेशन है। ज्यादातर एक्सीडेंट इंजुरी इससे होता है। ये रेगुलेशन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। सब रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 131 वर्किंग एट हाइट, या अंडरग्राउंड हो या ओसीपी हो, हाइट पर वर्किंग करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किए गए हैं उसको मैं चर्चा कर रहा हूं। ये रेगुलेशन सब रेगुलेशन 1 नो ट्रेवल फुटपाथ पर ट्रेवल नहीं करेंगे। कहां? कोई ऐसा फुटपाथ लेस जिसका विड्थ W विड्थ जो है लेस देन 1.5 मीटर, हाइट जिसका जिस फुटपाथ का हो मोर देन 1.8 मीटर, ऐसे फुटपाथ पर नो ट्रेवल। ऊंचा होने से गिरने का डर है, इसीलिए इसमें ट्रेवल नहीं करेंगे। ऐसा जब ऊंचा फुटपाथ हो जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से कम हो और हाइट 1.8 मीटर से हो, ज्यादा हो, तो इस स्थिति में ट्रेवल करने के लिए हमको क्या चूज करना है? इस पर ट्रेवल नहीं करेंगे विदाउट इस चीज के, इसका रखना पड़ेगा सेफ्टी बेल्ट, या उसमें रोप होगा लगा हुआ, या गार्ड रेल लगा हुआ, या फेंसिंग होगा। ये 2, 3, 4 चीज का प्रोविजन वहां जरूरी होगा, तभी हम इसको ट्रेवल करेंगे। क्लियर? एक बार फिर नो ट्रेवल एट फुटपाथ वेयर लेस देन 1.5 मीटर विड्थ मोर देन 1.8 मीटर हाइट विदाउट सेफ्टी बेल्ट रोप गार्ड रेल और फेंस। यदि सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो ट्रेवल नहीं करेंगे। रोप दिया हुआ है, गार्ड रेल दिया हुआ है, फेंसिंग दिया हुआ है, तभी हम उस पर ट्रेवल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहला सब रेगुलेशन। ये फ्लो चार्ट क्लियर समझने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरा सब रेगुलेशन करते हैं। ये दूसरा सब रेगुलेशन होता है प्लांट, कोई प्लांट हो या कोई मशीनरी हो। दूसरा वर्कशॉप, वर्कशॉप। तीसरा शेड, चौथा स्ट्रक्चर। ये सब ऊंचाई वाला चीज है, प्लांट, मशीनरी, वर्कशॉप, शेड और स्ट्रक्चर। क्लियर? ये चारों केस में इसका कंस्ट्रक्शन मजबूत होगा, प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्शन रखेंगे, प्रॉपर वे में रिपेयर करेंगे, प्रॉपर वे में इसको रिनोवेट करते जाएंगे, समय समय पर इसका रिनोवेशन होगा, इसकी मरम्मत होगी। ये तीन चीज की चारों को बराबर करना पड़ेगा। क्लियर? कि इसका स्ट्रेंथ या रोबस्ट हो, ताकि उससे गिरने का डर नहीं रहे, टूटने का डर नहीं रहे। क्लियर? तो प्लांट, मशीनरी, वर्कशॉप, सेट और स्ट्रक्चर, ये चारों को प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर रिपेयरिंग और प्रॉपर रिनोवेशन करना होगा। इस स्थिति में पर्सन अलाउड विद, हम आदमी को अलाउ करेंगे कोई वॉकवे, प्रॉपर वॉकवे हो जिस पर चल सके, स्टेयर, प्रॉपर स्टेयर, प्रॉपर लैंड वे, प्रॉपर हैंड रेल, प्रॉपर गार्ड, प्रॉपर स्टेज, प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर फेंसिंग। एक बार फिर समझिए, पर्सन जहां पर आना जाना करता हो वहां पर स्टेयर होना चाहिए, लैडर वे होना चाहिए, हैंड रेल होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फेंस होना चाहिए। क्लियर?
तो ये जो हाइट पर वर्किंग करने के लिए ये सब मेंटेनेंस और ये डिजाइन किया गया है, ये सुविधा किया गया है कि हाइट पर आसानी से हम चढ़ सके, हाइट पर आसानी से हम चल सके, हाइट पर आसानी से हम काम कर सके, हाइट पर आसानी से हम उतर सके। क्लियर? वर्किंग एट हाइट, हाइट का प्रॉब्लम है। तीसरा रेगुलेशन सिर्फ हाइट पर प्रोविजन के बारे में बता रहा है। तीसरा सब रेगुलेशन में हाइट जहां है वहां सेफ्टी बेल्ट होगा, सेफ्टी बेल्ट आदमी लगाएगा, उसकी टाई और स्टैंडर्ड दोनों चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से अप्रूव होंगे, दोनों चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से अप्रूव होंगे। अगेन चौथा पॉइंट है, हाइट जहां है प्रॉपर स्टेज होगा, वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर होगा, सुटेबल डिजाइन का और स्ट्रक्चर। क्लियर? जहां भी हाइट होगा वहां का स्टेज प्रॉपर होगा, प्लेटफॉर्म होगा, और जो भी स्ट्रक्चर सुटेबल डिजाइन का बनाया जाए। क्लियर? ये चौथा सब। पांचवा सब रेगुलेशन है प्लेटफॉर्म और स्टेज। जो प्लेटफॉर्म और स्टेज हाइट पर बनेंगे तो ठीक है, मजबूत होगा, सुटेबल डिजाइन और स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उस पर चढ़ने आने जाने, उस पर चढ़ने और उतरने का अप्रोच जो होगा, हर प्लेटफॉर्म हर स्टेज का अप्रोच फॉर एसेंट और डिसेंट, ये अप्रोच भी फैंसी होगा। ये व्हाइट फॉल गिरने से बचने के लिए ये अप्रोच को भी फेंसिंग किया हुआ है। क्लियर हुआ? देखिए ये मशीनरी से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं, माइनिंग को इस पर ध्यान देना होगा। वो जैसे प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, उन पर चढ़ने उतरने की व्यवस्था फेंस होगा ताकि आदमी गिरे नहीं। करेक्ट? छठा सब रेगुलेशन है वायर नेट के बारे में। कहीं कहीं फेंसिंग में हम वायर नेट इस्तेमाल करते हैं। वायर नेट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह स्टैंडर्ड डिजाइन का होना चाहिए, एलिमिनेट डेंजर, वे डेंजर को एलिमिनेट करते हैं। क्लियर? सातवां सीओपी, कोड ऑफ प्रैक्टिस। देखिए कोड ऑफ प्रैक्टिस वैसा सभी हैजार्ड या वैसे सभी माइनिंग ऑपरेशन जिसमें खतरा हो उसका एक सर्टेन प्रोसीड्यूर होना चाहिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए जिसको मैनेजर कंट्रोल करेंगे और मैनेजर ऑथराइज करेंगे कि कोड ऑफ प्रैक्टिस को पालन करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन माइनिंग सरदार, फोरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इंजीनियर। इस स्थिति में कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और इसको पालन करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन इंजीनियर को ऑथराइज करेंगे। अगेन आठवां सब पॉइंट जो है अनट्रेन्ड और अनएक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के बारे में किया गया है। अक्सर हाँ अभी सभी काम हैवी मैकेनाइज या हाई पर वाला काम कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होता है, आउटसोर्सिंग होता है, उस स्थिति में अनट्रेन्ड और अनएक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर नॉट डिप्लॉयड फॉर हाई वर्क। क्लियर? आठ नंबर रेगुलेशन में ऐसा, आठ सब रेगुलेशन में है। हाइट से यदि कोई एक्सीडेंट हो और वहां पर कंडक्टर का यदि एक्सपीरियंस नहीं है, उसका वर्क का जो क्रेडेंशियल है वो ऐसा काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसके वर्कर अनट्रेन्ड है, ट्रेनिंग नहीं कराए हैं, तो नॉट डिप्लॉयड फॉर हाइट वर्क। क्लियर? नाइन्थ सब रेगुलेशन है हम चेकलिस्ट बनाएंगे, एजेंट और मैनेजर चेकलिस्ट बनाएंगे और उस चेकलिस्ट को पालन करते हैं।
अब जैसे ये काम में है जो जो चीज सेफ्टी बेल्ट होना है तो चेक मारना पड़ेगा, सेफ्टी बेल्ट है, लेडर है तो लेडर है, हाइट वाले चीज पर फिर ये चेक लिस्ट करेंगे, उसको चेक करने का भी उसको देखने का भी, सुरक्षा इंश्योर करने का भी एक फॉर्मेट होगा, चेकलिस्ट होगा, उस चेकलिस्ट को कर लेंगे ताकि हम उसको ओवरलुक नहीं करें। तो ये चेकलिस्ट व्यवस्था एजेंट मैनेजर करेंगे और एजेंट मैनेजर वर्क परमिट देंगे एट हाइट, कोई हाइट पर वर्क हो रहा है तो उसके लिए लिखित परमिशन देंगे, परमिशन पत्र देंगे, अलाउ पत्र देंगे, इस डिजाइन पर काम करेंगे। इस उदाहरण के लिए आपको बताया, आपको इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ करके काम करना है तो उसका सीओपी होगा और एक चेकलिस्ट साथ में होगा, उस चेकलिस्ट के साथ साथ सुपरवाइजर उसको चेक करेंगे कि ये सब इंश्योर हो रहा है, साथ में उसको परमिशन देगा, ये एजेंट और मैनेजर उसको लिखित परमिशन देगा, वर्क परमिट देगा कि हाँ आप काम करें, तो वर्क परमिट करेगा मतलब एजेंट मैनेजर भी इंश्योर होंगे वो उसके सेफ्टी डिवाइसेस को। अक्सर आप देखा गया है कि ओवरहेड से आदमी गिर गया, हाइट पर काम किया गिर गया, वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते, डे टू डे काम कर रहे हैं और इस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए रेगुलेशन 131 वर्किंग एट हाइट ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों के बीच शेयर किया। धन्यवाद।